जय जवान जय किसान। आज है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी, जो कि हमारे देश के सेकेंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आज के हमारी वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय, जिसको कि आज के टाइम पे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जानते हैं, यूपी इंडिया में हुआ था। और उनकी जो डेथ है वो 11 जनवरी 1966 को हुई थी, 61 साल की उम्र में, ताशकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, जहां पर क्या है, जो ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके जस्ट नेक्स्ट इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनके मॉन्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो विजय घाट पे है। और अगर ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टी किससे जुड़े हुए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये जुड़े हुए हैं। इनको क्या है, इनकी डेथ के बाद 1966 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है, देखिए इनका नाम जैसे कि मैंने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री है, बट इनका जो जन्म के टाइम पे अगर हम कहें तो थोड़ा नाम में डिफरेंस था। वो क्या था, लाल बहादुर श्रीवास्तवा नाम था इनका। बट जैसे जैसे थोड़े से बड़े हुए तो ये क्या है, एक तरीके से जो कास्टिज्म है उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। दैट मीन्स कि जो स्वामी विवेकानंद है, गांधी जी, एनी बेसेंट है, उनके जो थॉट्स थे उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंट हुए। और उसके बाद उन्होंने क्या है, उनकी जाति से जो उनको नाम मिला था श्रीवास्तवा, उसको छोड़ दिया। ठीक है, और इस तरीके से उनका जो नाम है उसमें श्रीवास्तवा वर्ड अब नहीं लगता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ एक पॉलिटिकल करियर के बारे में, कुछ एक मेन चीजों के बारे में। तो अगर हम कहें तो मैंने आपको बताया कि हमारे कंट्री के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो फॉर्मर पीएम है हमारे कंट्री के। कब, 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक ये हमारे कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इनकी डेथ के बाद कौन आए थे, इंदिरा गांधी जी आई थी। ठीक है, ओके, देन अगर देखें तो ये क्या है, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रह चुके हैं 9 जून 1964 से लेकर 18 जुलाई 1964 तक। ठीक है, इसके अलावा होम अफेयर्स भी रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रह चुके हैं। तो 4 अप्रैल 1961 से लेकर 29 अगस्त 1963 के बीच तक क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रह चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी देखा है। ठीक है ना, 13 मई 1952 से लेकर 7 दिसंबर 1956 के बीच में। इसके अलावा अगर इनके जीवन के कुछ और खास अगर मैं इवेंट की बात करूं, तो दो मेन चीजें हैं जिनमें इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने जो क्या, एक तरीके से नेहरू जी ने व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, उसी को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया था। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसके तहत इन्होंने क्या, एक तरीके से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की थी 1965 में। क्लियर, अब बात कर लेते हैं इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ और खास इवेंट के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जय जवान जय किसान, जिस नारे के साथ हमने, जिस स्लोगन के साथ अपनी वीडियो की हमने शुरुआत की, ये जो स्लोगन है, इन्होंने जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी उस टाइम पे अपना ये नारा इन्होंने दिया था। ठीक है ना, तो उस टाइम से ये नारा काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अगर हम इनकी स्टार्टिंग की बात करें पॉलिटिकल कैरियर की, तो इन्होंने क्या, 1920 से ही एक तरीके से क्या है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसमें अपना एक तरीके से भाग लेना शुरू कर दिया था। ओके, और उसी के तहत ये क्या, एक तरीके से प्रेसिडेंट भी रहे थे, किसके, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। ठीक है ना, दैट मीन्स लोक सेवा दल, जो लोक सेवा मंडल है जिसकी की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी नवंबर 1921 लाहौर में, उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे मिस्टीरियस ये माना जाता है कि 1965 में जो वॉर हुई थी उसका जो, उसकी जो एंडिंग है वो होती है 10 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करने के बाद, लेकिन जस्ट उसके साइन करने के नेक्स्ट डे इनकी डेथ हो जाती है। और ये पहला ऐसा इवेंट है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की विदेश में डेथ हो जाती है। उसका रीजन बताया जाता है कि उनको हार्ट अटैक आया था, बट आज तक भी ये कॉन्स्पिरेसी है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा मतलब हार्ट अटैक भी आया था तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स वगैरह आई थी उससे सभी लोग सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है ना, तो ओके, तो ये एक इस तरीके का इवेंट रहा था जिसमें कि इनकी डेथ हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि गांधी जी, विवेकानंद और एनी बेसेंट के जो थॉट्स हैं उन्हें काफी ज्यादा एक तरीके से इंस्पायर थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित थे उनके विचारों से, तो इसी के चलते उन्होंने क्या है अपना, मैंने बताया ना, सरनेम भी छोड़ दिया था जो उनको उनकी जाति से मिला था। और इसी चीज के चलते जब 1921 जनवरी में, ठीक है, जब वो 10th क्लास में थे, जब वो हरीश चंद्रा हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो गांधी जी ने क्या किया था, एक तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें गांधी जी ने आह्वान किया था युवाओं से कि आप क्या है अपने सरकारी स्कूलों को, सरकारी दफ्तरों को, हर चीज को छोड़ दीजिए। तो उसी टाइम पीरियड पे इन्होंने भी क्या है अपने स्कूल को छोड़ दिया था बीच में ही। ठीक है, और इन्होंने जो एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का जो यूथ, एक तरीके से जो लोकल ब्रिज थी ना, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब क्या है नाम, एक तरीके से हमारे देश के नेताओं को भी लगा कि हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसा प्लेस होना चाहिए, तो गांधी जी ने क्या 10 फरवरी 1921 में तो काशी विद्यापीठ का इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, बनारस में, जिसको बाद में क्या एक तरीके से हम आज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहीं से फिर शास्त्री जी ने 1925 में अपनी क्या है ग्रेजुएशन कंप्लीट की फिलॉसफी एंड एथिक्स में। ठीक है, और उसी के बाद से इनके नाम के साथ लाल बहादुर शास्त्री लग जाता है एज अ स्कॉलर। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो उसके बाद ही क्या है, इनको हम पूरा नाम इनका बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर, ओके,
देन अगर हम बात करें तो ये क्या है, फिर धीरे धीरे क्या है 1928 तक आते आते क्या है, अपनी पढ़ाई के जस्ट बाद ये काफी ज्यादा एक्टिव और मेच्योरली क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ चुके थे, उनके आंदोलनों से जुड़ चुके थे, और उसी वजह से इनको काफी बार जेल में भी जाना पड़ा था, ठीक है ना। और इसके अलावा इन्होंने क्या एक तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड प्रोविंसेस में क्या है एक तरीके से अपने आप को अपनी सर्विसेज दी थी 1937 से 1946 के बीच में। ओके, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत देश की आजादी के टाइम पे ही क्या हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इनको जो प्रधानमंत्री बनाया गया तो प्रधानमंत्री पद इनको देने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसने, कांग्रेस पार्टी के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे ना के कामराज, उन्होंने क्या है एक तरीके से इनका नाम सजेस्ट किया कि शास्त्री जी क्या है एक तरीके से सिंपल पर्सन है, ठीक है, और सही है और इस पद को संभालने के लायक है, तो 9 जून को उन्होंने क्या रिकमेंड किया था शास्त्री जी का नाम, जिसके बाद इन्होंने क्या एक तरीके से अपना प्रधानमंत्री पद क्या है संभाला था, ठीक है। अगर मैं शास्त्री जी की बात करूँ ना तो शास्त्री जी बड़ा सिंपल जीवन जीते थे, हमेशा लाइक धोती कुर्ता पहनते थे, और मुझे याद है एक किस्सा इनके जीवन से रिलेटेड, कहा जाता है कि इंडिया में क्या एक तरीके से यूके की क्वीन आई थी फॉर मीटिंग एंड डिनर ऑल्सो, तो तब भी इन्होंने क्या है नॉर्मल कुर्ता पजामा पहना था, और तब उन्होंने क्या है एक तरीके से वो सारा जो एक तरीके से सेरेमनी उसको अटेंड किया था, समझ रहे। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लाइक होता ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इस तरीके की सोच वाले व्यक्ति थे। अब बात कर लेते हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर में कुछ इनकी पॉलिसीज के बारे में। अगर मैं इनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज की बात करूं तो ये एक लोते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, मतलब दैट मीन्स उससे पहले स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है ना, और कैबिनेट में भी रहे हैं। तो स्टेट मिनिस्टर्स में अगर मैं कहूं तो ऐसा कहा जाता है यूपी में सबसे पहले फीमेल कंडक्टर की भर्ती की अगर बात करें तो वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिसीज में अगर मैं देखूं तो इन्होंने जब ये सत्ता में आए दैट मीन्स प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने नेहरू जी थे उनकी जो काउंसिल थी उससे कुछ लोगों को इन्होंने रिटेन किया, हटाया, जिसमें कि टी कृष्णाचारी थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको, और इसके अलावा यशवंत राव चरण जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पर्सन की एंट्री पॉलिटिक्स में होती है, वो है इंदिरा गांधी जी, जिनको कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पद दिया जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिसीज में इनके जीवन से एक और बहुत फेमस एक तरीके से इवेंट है, वो क्या है मद्रास में एंटी हिंदी एग्रिटेशन हुआ था 1965 में। दैट मीन्स कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में क्या है जो हिंदी भाषा है उसको एज ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। हमारे कंट्री की कोई भी क्या नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। बट जब हिंदी को दर्जा दिया गया तो मद्रास साइड में जो एक तरीके से ऐसे स्टेट से जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर इस चीज का विरोध शुरू हुआ कि आप सिर्फ हिंदी को ऐसा प्लेस कैसे दे सकते हो, हम लोगों को तो हिंदी नहीं आती है। तो इस वजह से फिर शास्त्री जी ने एश्योरेंस दिया कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा शेड्यूल्ड लैंग्वेज आपको पता होगा ना हमारे कंट्री की, तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पर है, आप उनको भी जरूर देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज की कि इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज में ऐसा क्या किया। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज में अगर हम कहें तो इन्होंने नेहरू जी का जो स्ट्रक्चर था ना इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड दैट मीन सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें कोई चेंज नहीं किया बल्कि उसी को आगे परस्यू किया। जैसे कि उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो कि नेहरू जी शुरुआत कर चुके थे, इसी के तहत उन्होंने क्या एक तरीके से नेशनल जो कैंपेन था जिसमें जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने को लेकर फुल फोकस था रेवोल्यूशन में। इसी से रिलेटेड वो 31 अक्टूबर 1964 को उन्होंने आनंदा दैट मींस जो गुजरात में एक विलेज है वहां पे विजिट किया और वहां पर उन्होंने एक कैटल फीड फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया था। किसके थ्रू? अमूल। कहां पे? कंजारी में, ठीक है ना। और इसके अलावा और इसी के साथ क्या है वो वर्गीस कुरियन से भी मिले थे जो कि जनरल मैनेजर थे अमूल के उस टाइम पर, आपको पता है ना अमूल के, ठीक है। तो उसी के बाद क्या है उन्होंने उनसे बात की और भी राज्यों में क्या इसी तरीके की चीजें क्या है एक तरीके से जो अमूल के जैसे प्लांट्स का एस्टैब्लिश करने की बात रखी और उसी के तहत उन्होंने NDDB दैट मीन्स कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया आनंदा में 1965 में, ठीक है। अब देखिए इनके जीवन का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज एक और था, वो था क्रॉनिक फूड शॉर्टेज। इन्हीं के पॉलिटिकल जो प्रधानमंत्री थे पॉलिटिकल टाइम पीरियड पे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा भारी कमी हो गई थी अनाज की खाने की, तो इन्होंने क्या है ऑन एयर दैट मीन्स रेडियो के थ्रू लोगों से आह्वान किया कि आप एक दिन का दैट मीन्स वीक में एक दिन का फास्ट रखें। तो इन्होंने क्या है एक तरीके से खुद भी शास्त्री जी ने फास्ट रखना शुरू किया, ठीक है। और उन्होंने क्या है अपने खुद के एक तरीके से होता है ना अपने गार्डन में अपने कोर्टयार्ड में वहां पे भी एक तरीके से फसल उगानी शुरू की, ठीक है। और उन्हीं के इस आह्वान को मानते हुए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह और जो होटल्स थे उन्होंने एक दिन बंद रखना शुरू किया अपने होटल रेस्टोरेंट को, जिससे अनाज को बचाया जा सके, ठीक है, और सभी लोगों तक उसकी पूर्ति हो सके। ओके, तो इस तरीके से क्या है गांधी जी ने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग शास्त्री तो इसी के तहत जो शास्त्री जी है उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की 1965 में, ठीक है ना। और उन्होंने इसमें क्या किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्या था फूड ग्रेन इंक्रीज करने पे फुल फोकस था, मेनली इसमें हाई यील्डिंग सीड्स वगैरह का यूज किया गया था जिससे क्या है जो गेहूं का जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाया जा सके। और ये बेसिकली हरियाणा पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में ये शुरुआत हुई थी। और इसी के बाद क्या है एक एक्ट पास किया गया था
जिसके बाद नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोर्ड जो एक्ट है उसको सेटअप किया गया, जिसके बाद क्या है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसी के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। जो एक्ट है वो 1964 में आया था। तो देखा आपने किस तरीके की इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी थी। अब बात करते हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ठीक है, विदेशों के साथ इनके जो संबंध है वो कैसे रहे थे। अगर हम इनके पीएम टेन्योर की बात करें, जिस टाइम पर तक के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में इन्होंने विजिट किया, लाइक सोवियत यूनियन है, यूगोस्लाविया है, इंग्लैंड है, कनाडा है, नेपाल है, इजिप्ट है, बर्मा है, ठीक है, इन कंट्रीज में उन्होंने विजिट किया था। उन्हीं से कुछ कंट्रीज से रिलेटेड मैं इवेंट बता देती हूँ मेन आपको। अगर मैं बात करूं तो 1964 अक्टूबर में क्या है, उन्होंने एक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, दैट मीन्स कि उन्होंने क्या है एक तरीके से, जब वो कायरो से आ रहे थे, एक नॉन अलायंस कॉरपोरेशन जो मीटिंग थी उससे वापस आ रहे थे, तब वो बीच में क्या है एक तरीके से कराची एयरपोर्ट पे रुके और वहां पर उन्होंने क्या है मोहम्मद अयूब खान जो कि क्या थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उनसे मुलाकात की और वहां पर उनके साथ एक तरीके से एक इन्फॉर्मल मीटिंग भी की थी, ठीक है, वहां पर उन्होंने लंच वगैरह इस तरीके का उनकी चीजें रही थी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है नेहरू जी की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट, इसी को उन्होंने फॉलो तो किया, लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की, आगे बढ़ाने की कोशिश की। कारण था एक बहुत बड़ा, क्योंकि आपको पता है 1962 में हम लोगों ने एक साइनो इंडियन वॉर, दैट मीन्स चाइना ने हम लोगों पर हमला किया था, तो हमने वॉर फेस की थी, जिसके बाद हम लोगों को रियलाइज हुआ कि हमें क्या है एक तरीके से डिफेंस पे अपने बजट को बढ़ाना चाहिए। तो नेहरू एक तरीके से शास्त्री जी ने क्या किया, नेहरू जी की इस पॉलिसी में चेंज कर अपना जो डिफेंस का जो बजट था उसको बढ़ाया और कोशिश की कि जो सोवियत यूनियन है उसके साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चाइना और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को काफी ज्यादा हेल्प कर रहे थे, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने क्या है जो श्रीलंकर गवर्नमेंट है, श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री मावो भंडूरिनिका, उनके साथ 1964 में एक अकॉर्ड साइन किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था जो श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल्स हैं उनको वहां की सिटीजनशिप मिल सके, और इसी के तहत क्या है उनको वहां की सिटीजनशिप मिली भी थी, अराउंड 375,000 के समथिंग लोगों को, ठीक है, कहा तो औरों को भी था बट उनको नहीं मिली थी इतनों को। तो उन्होंने क्या है इनके साथ भी एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको हम श्रीमा शास्त्री पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे नामों से इनको हम याद रखते हैं। इसके अलावा बर्मा के साथ भी जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थी, और बर्मा से बहुत सारे जो लोग हैं उनको वहां से इंडिया भेजा गया था, तो उन लोगों के रहने के अरेंजमेंट किए गए थे देश के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, और उनके लिए बाकी चीजों का भी अरेंजमेंट किया गया। और बर्मा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या जो शास्त्री जी है वो दिसंबर 1965 में एक ऑफिशियल विजिट के लिए क्या अपनी पूरी फैमिली के साथ रंगून गए थे बर्मा में, और दोबारा से क्या है रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी दोनों ही कंट्री के बीच के रिलेशंस को। उस टाइम पे जो बर्मा में क्या है जो मिलिट्रियल गवर्नमेंट थी जिसमें कौन थे जनरल नी विन थे, ठीक है, उनके साथ, ओके। अब देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, अभी तो बहुत है ऐसी चीजें, बट फिर भी हमें काफी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की है। इसी के साथ क्या है जो उनकी वाइफ है ललिता जी, उनको उनके डेथ पर उनके रीजन पर भरोसा नहीं हुआ था, तो उन्हीं से रिलेटेड एक बुक लिखी गई थी ललिता के आंसू, जो लिखी थी क्रांत एमएल वर्मा ने, और वो पब्लिश हुई थी 1978 में, ठीक है, और एक इंडियन मैगजीन में भी इनको कवर किया गया था उनकी डेथ की कॉन्स्पिरेसी को, कौन सी आउटलुक मैगजीन में, ठीक है ना। तो ये अब तक भी क्या एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, ठीक है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।